इस दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां जाने से इंसान हमेशा डरता है और माना जाता है वहां भूतों का बसेरा है। कुछ लोग भूतों के होने से हमेशा इनकार करते आए हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। तो आज हम ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने इतिहास और भूतिया घटनाओं को लेकर काफ़ी चर्चे में रही हैं। टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी में स्थित यह टावर 900 साल से भी अधिक पुराना है और अपने इतिहास की घटनाओं को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि टावर में आत्माओं का वास है। वर्ष 1078 में चक्रवर्ती राजा विलियम्स द्वारा इसका निर्माण हुआ था और सत्ता संघर्ष के दौरान यहाँ कत्ले आम हुए। इन कत्ले आम में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। टावर ऑफ लंदन में सबसे अधिक चर्चित आत्मा एनी बोलिन की है, जो सम्राट हेनरी की पत्नी हुआ करती थी। वर्ष 1536 में एनी बोलिन का सर काटकर धर से अलग कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि जहां उनकी हत्या हुई उसी जगह एनी बोलिन की आत्मा को देखा जाता है। एनी बोलिन के अलावा इस टावर में लोगों ने एक सफ़ेद रंग की औरत की आत्मा को भी देखने का दावा किया है, जो कि खिड़की पर खड़ी रहती है। डॉल आइलैंड, मेक्सिको। मेक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक द्वीप है जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां जाने से डरते हैं। कारण है वहां के पेड़ों पर लटकी हुई गुड़ियाओं का झुंड। ये गुड़ियाएं साधारण गुड़ियाएं नहीं बल्कि विकृत हैं। लोगों का कहना है कि वो जब भी उनकी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो उन्हीं को घूर रही हैं। वर्षों पहले डॉन जूलियन बरेरा अपनी पत्नी के साथ इस द्वीप पर रहने आए। एक दिन उन्हें पास के नाले में एक बच्चे की लाश मिली। उन्होंने उस लाश को निकाल कर दफना दिया। उसी दिन से उनके साथ अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई। उस बच्चे की आत्मा उन पर हावी हो गई और तब से वे उस द्वीप के पेड़ों पर गुड़ियाएँ लटकाने लगे और तब तक लटकाते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। भांगड़ किला, राजस्थान, भारत। भारत के राजस्थान में स्थित भांगड़ किला जितना डरावना माना जाता है उतनी ही खौफनाक इसकी कहानी भी है। भारत सरकार के अधीन होने के बावजूद यहाँ विभाग का कोई कार्यालय नहीं है। कारण है खुद भांगड़ किला। रात के समय इस किले के आसपास किसी को जाने की अनुमति नहीं है और ऐसा कहा जाता है जो इस किले में गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। भांगड़ से जुड़ी एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती एक दिन पास के बाजार में अपनी दासियों के साथ इत्र लेने गई। वहीं पास में सिंधु सेवता नामक एक तांत्रिक खड़ा था जो राजकुमारी से प्रेम करता था। उसने इत्र की बॉटल पर काला जादू किया जिसकी भनक राजकुमारी को लग गई और उसने उस इत्र की बोतल को पास में पड़े बड़े पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर इत्र पड़ते ही काले जादू का असर उल्टा हो गया और वो पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने भांगड़ को श्राप दिया और कहा कि जल्दी ही यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी और उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। तांत्रिक का श्राप विफल नहीं गया। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी रियासत अजबगढ़ ने भांगड़ पर हमला कर दिया जिसमें सभी लोग मर गए। तब से उन लोगों की चीखें भांगड़ में सुनाई देती हैं। मोंटी क्रिस्टो, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक भूता और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। वर्षों पहले घटी कोई खौफनाक घटनाओं ने इस जगह को मनुष्य और भूतिया बना दिया है। 1885 में यहाँ एक परिवार रहने आया। इस दौरान यहाँ कई घटनाएं घटित हुई जिनमें से बहुत लोगों की जान गई। एक नौकरानी की बालकनी से गिरकर मृत्यु हो गई
एक बच्चा सीढ़ियों से गिरकर मर गया, काम करने वाला एक लड़का जिसकी आग में जलने से मौत हो गई। इन सभी घटनाओं के डर से उस परिवार ने वो जगह छोड़ दी, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद भी ऐसी घटनाओं का होना जारी रहा। कुछ लोगों ने मोंटी क्रिस्टो को खरीद लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनमें से एक की मौत हो गई। तब से मोंटी क्रिस्टो वीरान पड़ा है। सुसाइड फॉरेस्ट, एओकिगहारा, जापान। जापान के माउंट फूजी में बसा एओकिगहारा का जंगल, जहां लोग खुदकुशी कर लेते हैं, इसीलिए इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। हर साल सैकड़ों लोग इस जंगल में सुसाइड कर लेते हैं। अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सकता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। वर्ष 2004 में इन आत्महत्याओं की संख्या लगभग 108 थी। लोगों को खुदकुशी करने से रोकने के लिए प्रशासन ने जंगल में जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगा रखे हैं, जिनमें यहाँ आने वाले लोगों से खुदकुशी ना करने की अपील की गई है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने यहाँ आकर खुदकुशी की है, उन सभी की आत्माएं इस जंगल में भटकती रहती हैं और आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। ऐसे ही और रोमांचक भूतिया घटनाओं तथा कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साइड में बने बेल आइकन को दबाएं। आपके लाइक और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।